रे रे ले ले ए ऐ ओ औ अम अहा का खा गा घड़ा चाछा जा झाड़ा टाठा डाढ़ा ताथा दाधाना पाफा बाबा मा यार आलावा शा सा शाह क्लीम ह्रीम क्रोम स्वाहा इति प्रथमोपरि पुष्पांजलिम छिपेत इति मंत्रन्यास प्रथमोपरि पुष्पांजलिम छिपेत। ओम ह्रीम अम नमः ललाटे ओम आम नमः मुख वृत्ते ओठों के बीच में मुख वृत्त में बड़ा आ अंदर हाँ अंदर की बड़ा आ आ आ ओम ईम दक्षिणेत्रे दाहिनी आपका ई ओम ईम बाम नेत्रे ओम ओम दक्ष करने ओम ओम नमः बाम करने ओम रिम नमः दक्ष नसी ओम रिम नमः बाम नशी ओम लिम नमः दक्ष गुल्फे दक्ष गंडे ओम लिम नमः बाम गंडे ओम एम नमः अधा उष्ठे ओम ऐं नमः अधर ओष्ठे ओम ऐं नमः ऊर्ध ओष्ठे ओम ओम नमः अधो दन्ते ओम ओम नमः ऊर्ध दन्ते ओम अम नमः मूर्धने ओम अहा नमः जिह्वाग्रेत संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति सत्तपः संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति सद्वीर्य चतुष्टय संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति अष्ट प्रवचन मात्र का संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति शुद्ध्यष्ट का वष्टम संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति परिसह जय संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति त्रियोगुण सीमाच्युति संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति कृतकारित अनुमोदना निरतिचार निवृत्ति संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति दस संयमो परिशील संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति पंचेन्द्रिय जह संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम एह अरहति संज्ञा चतुष्टय निग्रह संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम यह अरहति दशविध धर्म धारण संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम यह अरहति अष्टादश सहस्र शील परिशीलन संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम यह अरहति चतुर्शीति लक्षोत्तर गुण क्षमाश्रय संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम यह अरहति अतिशय विशिष्ट धर्म ध्यान संस्कार स्फ्रतु स्फ्रतु स्वाहा ओम ह्रीम यह अति अप्रमत्त स्वाहा Mm.
नौमी दधि चैत्र प्रमाणे वृषभे से तपस्या ठानी निज में निज रूप पिछाना हम पूजत पाप नसाना निज में निज रूप पिछाना हम पूजत पाप नसाना ओम रिम चैत्र कृष्णा नौम्यम तप कल्याण प्राप्त श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। एक श्रृंखला होते हैं के अष्ट द्रव्य है गुरुवर थाल सजा कर लाए हैं तब चरणों में अर्पित करने भाव संजो हम आए हैं हे प्रशम मूर्ति करुणा धारे गुरुवर हम पर उपकार करो तुम जैसे हम भी बन जाए गुरु शीश हमारे हाथ धरो। ओम धूम परम पूज आचार्य ईश्वर श्री शांति सागर जी धर्मभूषण जी मनिंद्र चरण कमल बेनवा जल फलादि अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुते प्रसधूप फलार्घ कई धवल मंगल वाने रवाकुल जिनि ग्रहे मुनि राज महंग जी। ओम रूम परम पूज आचार्य 108 श्री भारत भूषण जी मणिराज साक्षात विराजमान तिन पावन चरण कमल बेनवा जल फलादि अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। नमोस्तु। कारी लखनी स्वाट प्रादी ने कदन कमंडल आदि पंचम चक्रवर्त प्रधारी सुलम की तंकर सुकारी इंद्र नरेंद्र पूज्य जन नायक नमो शांति प्रसाद विदाय देव तो पर की वर्षा दिन व्यास सन्मानी सच्चा छत्र चवर भाव मंडल भारी ये तो प्राकार मन्यार शांत ने शांत सुदाय जगत पूज पूज से नायक परम शांति दीजिए हम सबको पण तने पुनि चार संग को पूजे जन्म को ठार करे लाके इंद्र आदि देव और पूज प्रताप जी जाके सुशांति नाथ परमस जगत पुजी का निर्णय करें शांत सदा रूप सब पूजकों को प्रतिपालकों को तीनों के नायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश पूरे विजय सुखी शांति पूरे होवे सारी प्रजा को सब बल यथे धर्म धारी ने सब होवे वर्षा समय पे तिल भंडले भी आदि कंदे सब होवे चोलिन धारी सुश्राम का नमस्कार मारी सारे धारण जन प्रभु को जो सदा सब कारी घात क्रम जन नाश कर पायो केवल राज शांति करो सब जगत को विश्वाद जन राज शांति करो सब जगत को विश्वाद जन राज शांति करो सब जगत को विश्वाद जन राज। शास्त्रों का हो पठन सुविधा लाभ सत्संगति का संवृत्तों का शेष कह के दोष लाभ कुछ सभी का बोलूं प्यारे वचन कि आपका रूप ध्यान चलो शिव चरण जन के मोक्ष जलान पाऊं तो पद में रहिए मैं मम्मी ये तेरे पुनी चरणों में तबलो ले जाऊं प्रभु जलो पाए नम पद में अक्षर पद मात्रा से दूसरे जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सब करना का पुनी स्वभाव दुख से हेजे बन जने से पाऊं तब चरण चरण वाला हरि मन समाधि सुधरो कर्म का छह सुबह सुकार के आशीर्वाद आप पुष्पां लेने शांति भक्ति समाधि भक्ति प्रतिक्रिया का सर्वम करो नौ बार नमस्कार का जाए Hello.
बाजे चम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दिए लेके आरती करो एक बार जरा सारा हाथ ऊपर करें कौन कौन आरती करने आए भगवान की कौन कौन तो ये विधि मंगल आरती की इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं तुझी आरती करूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं जी बाजे चम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं रख लो जी गुरु जी हमें नौकर रख लो जी
रखलो क्या करी रखलो अपना पुजारी जी कहो कर रखलो जी गुरु जी अपना कर रखलो जी अरे कहो कर रखलो जी गुरु जी अपना कर रखलो जी हे सुबह शाम तेरी चाकरी करूं सुबह शाम तेरी चाकरी करूं सर धना में गुरु भक्ति करूं सुबह चाह में तेरी चाकरी करूंगा सुबह शाम तेरी चाकरी करूंगा सुबह शाम तेरी चाकरी करूंगा धनो पर रख लो चाकरी रख लो अपना पुजारी जी जन्म मरण दुख दूर महाराजा जी राम की सभा
जिस प्रजा का कुशल प्रशासन हो रहा, भूखे को पर्याप्त भोजन है, रोगियों को निःशुल्क औषधि है, वस्त्र आभूषण निःशुल्क वितरित किए जा रहे, चारों तरफ सुख शांति है महाराज, कहीं भी किसी भी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं। राज्य का संचालन चल रहा था तभी सभा में, अरे अरे महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। अरे दूत क्या समाचार लेकर आए हो, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। अरे महाराज बड़ा ही सुंदर समाचार लेकर आया हूँ, बड़ा ही सुंदर। क्या समाचार लेकर आए हो महाराज, आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे महाराज, झूम उठेंगे। हाँ हाँ कहो दूत, क्या समाचार लेकर आए हो। हाँ हाँ महाराज, बता रहा महाराज। महाराज अभी अभी दासी के माध्यम से समाचार मिला है कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई हो। हे सैनिक, तुम्हें उचित पुरस्कार दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। खजांची, सैनिक को उचित पुरस्कार दिया जाए, जाइए आप खजाने से ले लीजिएगा। जो आज्ञा महाराज। आपने ताली नहीं बजाई, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो उधर बैठे युवा मंडल जरूर ताली बजा देंगे कि आपको पुत्र हुआ है। देखो अभी महारानी नहीं बैठी, महारानी यदि महारानी भी बैठी होती तब भी दूत आकर कहता कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। फिर आप हंसते कि महारानी जब इधर बैठी है तो पुत्र कहां से हो गया, हंसते ना, हंस लो ना इस ऐसे दृश्य पर बता दें आपको, पटरानी बैठी रहती है साथ में, वो पटरानी के कभी संतान नहीं होती, उसके रूप लावण्य में तिलमात्र भी कभी कमी नहीं आती। वो तो अन्य रानियां होती हैं, उनके आए दिन समाचार मिलते ही रहते हैं कि आपको पुत्र रत्न हुआ। हाँ आते ही रहते हैं समाचार, पर पटरानी के कोई संतान नहीं होती। बधाई खुशियां मना रहे थे पुत्र रत्न की प्राप्ति पर, अरे अरे ये एक और दूत दौड़ा चला रहा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। अरे सेनापति जी क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। क्यों ना हो, समाचार ही इतना सुंदर लेकर आया। अस्तबल छोड़कर चले आए, ऐसा क्या विशेष समाचार था। महाराज सुनिए, मैं अभी अभी राज्य की आयुधशाला से आ रहा हूँ। महाराज मैंने वहां देखा कि एक दीप्तिमान प्रदीप्तिमान 20,000 देवों से रक्षित एक चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। क्या सुना तुमने, सुना अपने महाराज की आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, अर्थात हमारे महाराज अब चक्रवर्ती बनेंगे। बधाई हो महाराज, बधाई हो। ये लो सेनापति हाथों हाथ अपना पुरस्कार, पहले दूत का भी हाथों हाथ दे दो, दे देना आप उस दूत को। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। सच तो ये है कि चक्र रत्न की उत्पत्ति होती तो सारे अयोध्या को खुशी होती, पर भरतेश को खुशी नहीं होती, क्योंकि वह इसका परिणाम जानते हैं। सभा में खुशियां मनाई जा रही थी कि चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो हमारे सम्राट अब चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं, चक्रवर्ती बनेंगे। तभी ये अरे ये बनमाली क्यों दौड़ा चला रहा। ये समाचार मैं महाराज को सुनाऊंगा, तुम आज तो मेरी किस्मत ही खुल जाएगी, किस्मत ही खुल जाएगी। वाह आश्चर्य हो गया। अरे महाराज, अरे महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। बनमाली यही तो आश्चर्य की बात है। हाँ हाँ विशेष आश्चर्य, विशेष आश्चर्य, क्या कारण है महाराज। यही तो बताने आया, यही तो सुनाने आया महाराज। हाँ हाँ महाराज आपका आदेश है तो मैं सुना रहा हूँ, सुनाता हूँ महाराज, सुनाता हूँ। हाथ जोड़ विनती करूं शिरोमणि सरताज,
और संदेशा लाया सुखद सो सुन लीजे महाराज। सुन लीजे महाराज आश्चर्य हुआ देखी अति भारी और बाग बगीचे खिल उठे सब महक उठी है क्यारी। और महाराज सभी ऋतुओं के फल आए गीत पक्षी भी मिल गाए। सभी ऋतुओं के फल आए गीत पक्षी भी मिल गाए। अच्छा। और महाराज हाँ। घातिया कर्मों का क्षय किया है आपके गृहस्थ जीवन के महापुरिराज को केवल ज्ञान हुआ है। जय हो। नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु। सभी सभासद सभी जन नमस्कार करने लगते नमोस्तु भगवन नमोस्तु नमोस्तु। महामुनिराज आदिनाथ सागर घोर तपश्चरण कर रहे थे। आपने मध्यान्ह दोपहर में दीक्षा देखी। दीक्षा के बाद वह घोर तपश्चरण कर रहे। तपश्चरण के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है ये समाचार लेकर आए हैं बनमाली। समस्त ऋतुओं के फल फूल स्वयं ही खिल उठे। सारे मुरझाए फूल खिल उठे। एक साथ सप्त धान मिलने लगा। आज बहुत खुश हैं दूत। अरे बनमाली तुम्हें इसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा। ये लो अपना पुरस्कार। जय हो जस्ती की जय हो। आश्चर्य में है आज भरतेश। एक साथ तीन सुखद समाचार मिले। पहला समाचार पुत्र रत्न की प्राप्ति का, दूसरा अयोध्याशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति का, और तीसरा पिताश्री को केवल ज्ञान की प्राप्ति का। सर्वप्रथम खुशी किसकी मनाएं? खुशियां मनाने के लिए आतुर हैं। तभी राज ऋषि से इस बाबत बात की जाती। महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो राज ऋषि से बात की जाए कि तीन खुशियां आज हमें मिली है, श्रेष्ठ इसमें से खुशी कौन सी है? हे राज ऋषि, महाराज की इच्छा है कि सर्वप्रथम अयोध्या में कौन सी खुशी मनाऊं, कृपया कर बताइए। हे राजन, वैसे तो घर में संतान का आना अत्यंत ही शुभ है और चक्रवर्ती को चक्र रत्न की उपलब्धि से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन जब प्रभु वृषभ देव को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है तो सर्वप्रथम क्यों ना उन्हीं की आराधना की जाए। बाकी सारे कार्य तो कुछ समय पश्चात भी किए जा सकते हैं। जो आ गया महाराज। और इस प्रकार कल लगेगा भव्य समोसरण। भरतेश भव्य समोसरण केवल ज्ञान की प्राप्ति होते ही भव्य दिव्य समोसरण सुशोभित कर देते धनपति कुबेरेंद्र। कल यहां पर समोसरण आप देखेंगे। ऐसे समोसरण की पूजा करते भरतेश संपूर्ण प्रकर को लेकर और प्रस्थान कर देते हैं अब छह खंड की विजय यात्रा पूर्ण करने, दिग्विजय यात्रा के लिए। सत्कार किया जाता, सम्मान किया जाता और दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते। श्वेत ध्वज शांति का प्रतीक। सभी प्रजाजन खुशियां मनाते। हे राज ऋषि,
और इधर पटरानी सुभद्रा नाम होता, भरतेश का विजय तिलक करते आरती उतारते विजय माला पहनाती और कहती कि शीघ्रता से जाइए छेखंड पर विजय यात्रा प्राप्त करके आइए। इधर सेनापति विजय माला पहनाकर इन्हें विदा कर रहे। सुस्वागतम, तालियां। सुस्वागतम बर मंदिर से नहीं अब कम, आप रख दो जहां पर चरण। महाराज भरत की, महाराज भरत की, महाराज भरत की। चलिए महाराज, चल देते हम देख विजय यात्रा के लिए अपने संपूर्ण परिकर को लेकर चलते हैं और समस्त खंडों पर विजय प्राप्त करके ही लौटेंगे। धर्म ध्वजा हाथ हो, धर्म ध्वजा हाथ हो, धर्म ध्वजा हाथ हो, तीर और तलवार हो, तीर और तलवार हो, शत्रुघ्न के हाथ हो, धर्म ध्वजा हाथ हो, परदेश देखो चले तान चले, सब में सीना तान चले, जग में सीना तान चले, धर्म ध्वजा ले रात चले, विद्याधर राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। बड़े चले जा रहे विद्याधर राजाओं की पिताओं ने इनके साथ विवाह करा दिया। 32,000 रानियां साथ आ गईं। बढ़ते चले जा रहे थे मलेच्छखंड राज्य पर, हमारे भरतेश ने विजय प्राप्त कर ली और 32,000 रानियां मलेच्छखंड की आ गईं। बड़े चले आ रहे हैं, 1,000 रानियां साथ हो अब छुनी सेना के साथ बड़े चले आ रहे हैं। धर्म ध्वजा हाथ में, साथियों के साथ में, वो भारत की सेना चली 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 चली, भारत की सेना चली, महाराज भारत की, भारत की सेना चली, की जय 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 भरते, जय जय भरते, त्रिवर क्या कारण होगा? ये महाराज, चक्र रुकने का कारण तो मुझे नहीं पता, पर जब भी राज्य पर कोई विपदा संकट डाल देते हैं, मैं अभी राज ऋषि के पास जाकर इसके रुकने का कारण पूछता हूँ। शीघ्र राज ऋषि को प्रधानमंत्री का प्रणाम स्वीकार हो। हे राज ऋषि, छह खंड की विजय। ये सारे पात्र आपके ही गांव के, आपके ही नगर के हैं। महाराज बाहुबली की जय हो। एक बार इन पात्रों के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। बाहुबली की जय हो। मैं पोदनपुर आ गया, शीघ्र यह प्रस्ताव पोदनपुर नरेश के समक्ष रखता हूं। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो। महाराज की जय हो, दूत का प्रणाम स्वीकार हो। दूत कहां से आना हुआ? हे महाराज, मैं आपके अग्रज, आपके बड़े भाई भरत अर्थात अयोध्या से आया हूँ। क्या अयोध्या से आए हो? हमारे बड़े भैया भरत कैसे हैं? अयोध्या में सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ, आपके बड़े भैया सकुशल हैं और संपूर्ण अयोध्या प्रवासी भी मंगलमय है। हे महाराज, आपके अग्रज बड़े भैया के साथी से पुण्योदय से
आपके साथी से पुण्योदय से आपको चक्ररत्न की प्राप्ति हुई। वाह 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 वाह, सभी हर्षित हुए, सभी खुशी मना रहे थे। प्रसन्नता पूर्वक तिलक कर राज ऋषि ने दिग्विजय यात्रा के लिए यात्रा प्रारंभ कराई। 6 खंड की विजय यात्रा पूर्ण करके जैसे ही अयोध्या के अंदर गोपुर द्वार के अंदर प्रवेश करना चाहा, तभी क्या दूत, कहते कहते रुक क्यों गए? तभी महाराज चक्र रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। ऐसे कैसे चक्र रुक सकता है, किसी को कोई क्षति तो नहीं हुई? हाँ हाँ महाराज, कोई क्षति नहीं हुई, आपके आग्रह साकुशल हैं, सभी साकुशल हैं। जब चक्र रुकने का कारण पूछा तो राज ऋषि ने कहा, क्या कहा राज ऋषि ने? यह दिग्विजय यात्रा तभी पूर्ण हो सकती जब आप, जब मैं क्या? महाराज हमारे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा अधिराज भरतेश ने कहा है कि आप जब चक्र को नमस्कार करें, उनकी चरण वंदना करें और इस महान अनुष्ठान में अपनी पूर्ण आहुति लगाएं, तभी दिग्विजय यात्रा पूर्ण होगी। वाह वाह दूत, वाह, क्या कहा आपके चक्रवर्ती सम्राट भरतेश ने, मैं उनकी अधीनता स्वीकार करूं? नहीं नहीं दूत, ये नहीं हो सकता। हाँ हाँ महाराज, तो इसमें बुराई ही क्या है, आखिर भाई आपके अग्रज हैं, आपके बड़े भाई हैं, यदि उनकी चरण वंदना करो, चक्र को नमस्कार करो, उनकी अधीनता स्वीकार करो, तो इसमें क्या हुआ? दूत यही तो बात है, यही तो बात है दूत, यह संदेश एक राजा ने राजा के लिए भेजा हो, यदि यही संदेश एक भाई ने भाई को भेजा होता तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता और उनकी अधीनता स्वीकार करता और उनके चक्र को नमस्कार करता, परंतु यह संदेश एक राजा ने राजा को भेजा है, इसलिए उनकी अधीनता स्वीकार कभी नहीं कर सकता। विचार तो करिए, अरे जिन्होंने पुत्रवत आपको ज्ञान दिया, सम्मान दिया, यदि उनके चरणों में नतमस्तक होना तो कोई बड़ी बात नहीं। दूत, जब पिताजी ने मुझे पोतनपुर का राज और भैया भरत को राज अयोध्या का दिया था, तब कहा था, हम अपनी आजादी को हर गिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, चलिए इस महान अनुष्ठान को पूर्ण हो जाने दीजिए, आपकी पूर्ण आहुति इस यज्ञ में लगते ही वह चक्रवर्ती सम्राट कहलाने लगेंगे। बस करो दूत, बस करो, दूत का काम सिर्फ संदेश देना होता है, ना कि उपदेश देना। महाराज मैं उपदेश नहीं दे रहा, मैं तो आपको सरल मार्ग बता रहा हूं, इसी में ही पोतनपुर की भलाई है कि आप चलकर उनकी अधीनता स्वीकार करें। बस दूत, बस जाओ, चले जाओ और अपने चक्रवर्ती सम्राट भरतेश से कहना, बाहुबली युद्ध के लिए तैयार है, तैयार है। महाराज आप तो हमारी बात से भी 2 कदम आगे निकले, पर आप इतनी बड़ी बात कह तो गए, कभी विचार किया है? कहां हमारे भरतेश की अक्षुणी सेना और कहां आपके पोदनपुर की मुट्ठी भर सेना, कब तक मुकाबला कर पाएगी? क्या कहा दूत, भरतेश की अक्षुणी सेना और हमारी मुट्ठी भर सेना? नहीं दूत, नहीं, अयोध्या के 100 सैनिक और पोदनपुर का 1 सैनिक 100 सैनिक के बराबर है दूत, भूल क्यों नहीं? तो ठीक है महाराज, अब बाकी की बातें युद्ध क्षेत्र में ही होंगी। ठीक है, ये तो नियति है, या अधीनता स्वीकार करो या युद्ध करो, और आपको अधीनता स्वीकार करना उचित नहीं लगता तो अब युद्ध क्षेत्र के लिए कूच कर जाइए। मैं चलता हूँ। जाइए, यह संदेश अपने महाराज से कहिए, बाहुबली युद्ध के लिए तैयार है। महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की। चलिए महाराज, चलिए। इधर बाहुबली की सेना
युद्ध क्षेत्र के लिए कूच करे इससे पहले उत्साह से भर देते सेनापति बाहुबली को विजय तिलक लगा, विजय माल्यार्पण के माध्यम से, जय जयकार के माध्यम से उत्साहित करते सभी। महाराज बाहुबली की जय हो, महाराज बाहुबली की जय हो। बाहुबली सेना चली 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 चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली सेना चली, बाहुबली जी की 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 सेना चली, चली महाराज चली। तीर और तलवार हो, वज्र गदा साथ हो, तीर और तलवार हो, वज्र गदा साथ हो। महाराज बाहुबली की जय हो। ओ हो, घमासान ये युद्ध होगा। मेरी चतुराई काम ना आई, मैंने साम दंड वेद छल बल कौशल सब कुछ अपना लिया, पर वह तो हमसे भी चतुर निकले। यहां तक कि वह युद्ध क्षेत्र के लिए कूच भी कर चुके, वह जानते हैं यदि अधीनता स्वीकार नहीं तो युद्ध होगा। महाराज युद्ध के लिए वह तत्पर हो गए। तो फिर देर किस बात की, चलिए युद्ध करते हैं। आइए महाराज। भारत की सेना चली 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 चली, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, भारत की सेना चली, जय जय भारत, जय जय भारत, भारत, जय जय भारत। ओ हो हो, दोनों ओर की सेनाएं, दोनों ओर की सेनाएं जब बंटवारा हुआ, दो भाइयों का, अयोध्या का भरत को राजा बनाया गया, बोधनपुर का बाहुबली को राजा बनाया गया, तो सैनिक भी दो सगे भाई, एक भाई बोधनपुर चला गया और एक भाई अयोध्या में रह गया। आज अपने अपने राजा के प्रति समर्पण भाव है। जहां बात सल उमड़ रहा दोनों भाइयों में कि क्या मैं बड़े भाई पर कैसे वार कर पाऊंगा, छोटा सोचता बड़ा सोचता नहीं पुत्रवत में छोटे भाई पर कैसे वार करूंगा, लेकिन जब स्वदेश के सम्मान की बात आती तो पुनः तलवार तीर कमान खींचकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों ओर से अपार सेना है। हे सेनापति जी, कहिए कहिए। आप देख रहे हो इधर भरतेश की अक्षुणी सेना और इधर पोदनपुर की सेना। अरे ये दोनों भाई तो वज्र शरीरी है, चरम शरीरी है, अजय है, आप पराजय है, सला का पुरुष है, तीर्थंकर के पुत्र है, इनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपस में प्रजा विनाश होगा।
और आपस में इनके ही युद्ध की कोई युक्ति निकाल ले। यह निरसंहार होने से बच सकता है। राज ऋषि कोई उपाय बताइए, ऐसे कौन से युद्ध हो जिससे हिंसा ना हो। निश्चित रूप से दोनों चरम शरीरी हैं और एक दूसरे को परास्त करने में दोनों सक्षम हैं, लेकिन फिर भी अगर इनके मध्य जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध, ऐसे आपस में दोनों भाई ही अगर युद्ध कर ले तो इससे जनधन की हानि बच जाएगी, दोनों का युद्ध भी हो जाएगा और हार जीत का निर्णय भी हो जाएगा। धन हो राज ऋषि, धन हो। यह परामर्श हम अपने महाराज के पास रखते हैं। सेनापति, आप अपने महाराज के पास यह विचार रखिए। हे महाराज, ऐसा राज ऋषि का कहना है कि ये निर्दोष प्रजा ना मारी जाए, आप दोनों ही आपस में जाए और पराजय का निर्णय कर लें युद्ध से, और युद्ध भी अहिंसक युद्ध बताए, पहला दृष्टि युद्ध, दूसरा जल युद्ध, तीसरा मल युद्ध। क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ। हाँ हाँ सेनापति, मैं भी सहमत हूँ। तो फिर देर किस बात की, आप दोनों ही जय और पराजय आपस में कर लीजिए। दोनों के बीच प्रथम युद्ध दृष्टि युद्ध, वो तो अच्छा रहा बोधनपुर के सैनिकों, जो आपस में युद्ध की बात आ गई, वरना हमारे अयोध्या के ऐसे ऐसे सैनिक हैं, इधर आओ सैनिक, ये देखो चश्मा लगाया तो क्या, ये सूक्ष्मदर्शी लगाई है इन्होंने, चश्मा नहीं लगाया। सैनिक की विशेषता है 100-100 कोस दूर का देख लेते हैं, ये दूरबीन है इनकी, लेकिन बल तो इनके अथाह है, अपार बल है। ये कहते हैं कि हौसलों को आजमाना चाहिए, जरा स्थिति बनाओ ना यार। हाँ देखो, हौसलों को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, हौसलों को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, और जब 7 दिन तक खुजलियां ना रुके आदमी को, तब नहाना चाहिए। इनकी हिम्मत तो देखो, वाह वाह क्या बात है। हूं ये भी हमारा सैनिक कमजोर नहीं, वाह इधर आओ, वाह। दूध कितना पी लेते हो? 300 लीटर करा, 300 लीटर सुबह नाश्ते में, क्या ताकत है भाई की। ये कहते हैं कि 100 घूसे में पापड़ तोड़ूं, ताकत देखो, ताकत देखो भाई की। 100 घूसे में पापड़ तोड़ूं, तोड़ूं कच्चा सूत और सड़ी रद्दी को फाड़ दिखाऊं, मैं सच्चा रजपूत। वाह रजपूत, अरे यार जरा ठोक के तो बताओ जंगा, हाँ मुंह चेट के बता दो। वाह 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 क्या बात है, ऐसे ऐसे सैनिक, अरे इधर आओ ना, क्या बात है, ये तो और अनूठे सैनिक है। कसम से जब ये चीखते हैं ना, केवल इनकी चिल्लाहट से हजारों सैनिक भाग जाते, जैसे कोई चिल्लाहट का बाण आके छुप रहा हो, मतलब कुछ नहीं निकलता। चिल्लाते ऐसे हैं कि छक्के छूट जाते दुश्मन के। कैसा चिल्लाते ये बता, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, समझ रहे हो, मतलब एक ही है पत्थर और पाषाण, पर चीख के कहते हैं मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूं, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूं, मैं ईश्वर को भगवान बना सकता हूं, और मैं मानव को इंसान बना सकता हूं। जोर जोर के दुश्मन समझता जैसे ये तोप लेकर आया हो, मतलब कुछ नहीं। ऐसे ऐसे सैनिक भरे पड़े हैं हमारी सैन्य व्यवस्था में। आइए इधर दोनों के बीच
युद्ध हो रहा, प्रथम युद्ध। भैया इलेक्ट्रीशियन लाइट वाले भैया थोड़ा सा झपझप लाइट। पहला युद्ध दोनों भाइयों के बीच, दृष्टि युद्ध प्रारंभ किया जाता है। ये तेज लाइट बंद कर दीजिए भैया, नेत्र से नेत्र गड़ाए हुए दोनों राजा हार मानने को नहीं। जिसकी भी पहले पल के झपके वही राजा पराजित माना जाएगा। तभी ये क्या भरतेश की आंखें झपक जाती और वह गिर, अरे 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 महाराज ये क्या। महाराज बाहुबली की जय हो। भैया लाइट, ये क्या किया महाराज आपने, पलके क्यों झपका दी? आप प्रथम युद्ध दृष्टि युद्ध में पराजित हो गए महाराज। कोई बात नहीं, अभी दो युद्ध और शेष है, द्वितीय युद्ध जल युद्ध। अरे आप पक्का जल युद्ध जीतोगे, अच्छे से मुझे याद है आप कैसे कमर में कपड़ा बांधकर बाहुबली से कहा करते थे कि अब जल में तैरते युद्ध करो, जरूर आप इस जल युद्ध में अवश्य विजयी रहेंगे। द्वितीय युद्ध जल युद्ध प्रारंभ किया जाए। महाराज बाहुबली की जय हो। महाराज ये क्या किया महाराज, ये क्या किया महाराज, आप दूसरा युद्ध हार गए, आपकी कार्य कुशलता कहां गई? आपने ही तो इनको सिखाया था जल में युद्ध करना और आप हार गए। कोई बताएगा क्यों हार रहे हैं? ये इसलिए हार रहे हैं, 500 धनुष की काया थी भरतेश की, 525 धनुष की काया थी बाहुबली की। जब भरतेश नेत्र मिलाते थे तो उनको ऐसे देखना पड़ता था और जब बाहुबली मिलाते थे तो ऐसे देखते थे। कब तक कोई गर्दन उठाकर देखता, कई दिनों तक देखते रहे, आखिरकार गर्दन दुखने लगी, पलकें झपक गई और हार गए पहला युद्ध भरतेश। दूसरा युद्ध जब भी भरत बाहुबल में पानी भरकर फेंकते थे, भरत पानी फेंकते थे बाहुबली के सीने तक ही टकराता था, नेत्रों तक नहीं पहुंच पाता था। पर जब भुजबल से बाहुबल से बाहुबली जल को फेंकते थे, सीधा आंखों पर पड़ता भरतेश के। कब तक मुकाबला चलता, कई दिनों तक जल युद्ध होता रहा, आखिरकार पैर रुकने लगे, आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता, हाथ थकने लगे और द्वितीय युद्ध भी
बढ़ते हार गए बाहुबली विजयी हुए। महाराज तीसरा युद्ध अंतिम युद्ध निर्णायक युद्ध आपको इसे जीतना होगा। मल युद्ध महाराज इस युद्ध को आपको जीतना ही होगा। सावधान दोनों राजाओं के बीच तृतीय युद्ध मल्ल युद्ध प्रारंभ किया जाता है। आजा लाइट भैया आजा नहीं छोड़ूंगा ये ले बात करता हूँ नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं बचेगा ये ले बचरा पान नहीं छोड़ूंगा या